राजनीति में निस्वार्थ भाव से शायद ही कोई जुड़ता है। सबके अपने निहित स्वार्थ होते हैं, अन्यथा राजनीति फिर राजनीति थोड़ी ही होती है। परंतु विगत कुछ वर्षों में जो भोजपुरी उद्योग कर रही है वह न तो तार्किक है, न ही भाजपा को इससे कोई लाभ होने वाला है। नमस्कार, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भोजपुरी फिल्म उद्योग के कई सितारे और भाजपा दोनों एक दूसरे का अनुचित लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया है। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में ये अफवाहें व्याप्त है कि भोजपुरी अभिनेता एवं गायक पवन सिंह भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और संसदीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये अफवाह इसलिए भी उड़ी है क्योंकि पवन सिंह हाल ही में एक समारोह में भाजपा के कदावर नेता नितिन गडकरी के साथ देखे गए थे। ऐसे में सबसे ज्यादा यही प्रश्न उठ रहे हैं, पवन सिंह BJP कब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी पसंद और नापसंद होती है, पर क्या हमें इस निर्णय से प्रसन्न होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजपुरी सिनेमा के नाम पर क्या परोसा जा रहा है ये किसी से नहीं अपरिचित है। और जिस प्रकार से ये फूहर लोग, जिनका ना कोई आदर्श है ना कोई वसूल, और ये थोके के भाव में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ये ना तो BJP के लिए ना ही देश के लिए शुभ संकेत है। जिन मौकाप्रस्त लोगों ने अपनी मां समान भाषा और संस्कृति को तार तार करने में एक बार भी नहीं सोचा, वो पार्टी या देश का भला क्या सगा होगा। अगर ये लोग तनिक भी निष्ठावान होते तो आज भोजपुरी उद्योग हास्य का विषय नहीं बनता। चाहे मनोज तिवारी हो या रवि किशन या निरहुआ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भोजपुरी उद्योग के उत्थान के लिए ठोस प्रयास किया है? कोई नहीं। जैसा कि पहले भी बताया, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। मनोज तिवारी जो आज भाजपा के चरवाहे बने फिरते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध गोरखपुर में 2009 में समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़े थे। रवि किशन शुक्ला भी पहले सपा समर्थक थे, फिर कांग्रेस की ओर 2014 लोकसभा चुनाव में फूलपुर क्षेत्र के प्रत्याशी थे, जहां वे बुरी तरह से पिटे थे। फिर जाने क्या अकल आई कि 2018 तक वे भाजपा से जुड़े और 2019 में गोरखपुर के चुनाव जीतने में सफल भी रहे। दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ अन्य की भांति पलटखोर तो नहीं निकले, परंतु भाजपा ज्वाइन करने के अलावा इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे लगे कि इनसे भोजपुरी उद्योग का या भोजपुरी समाज का कोई उद्धार हुआ हो। जो कला के नाम पर फुहरता फैलाने वालों को तनिक भी गंभीरता से लिया जा सके। देखिए, अगर जय मोदी जय योगी करने से ही किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता एवं परिपक्वता तय होती है, तो फिर प्रकाश जावेदकर और रविशंकर प्रसाद में क्या कमी थी? वो सारे काम छोड़ के बस यही तो करते थे। परंतु धरातल की सच्चाई तो यही है कि इससे न प्रशासन चलता है न ही पार्टी। भोजपुरी के तथाकथित सुपरस्टार को समझना होगा कि बेबी बियर पी के और छलकत हमरो जवनिया और राजा जी के आगे भी जीवन है, परंतु ये उन लोगों को कैसे समझ में आएगा जिन्होंने आधे से अधिक समय केवल ऑन स्क्रीन नौटंकी और फुहरता में व्यतीत किया हो। भोजपुरी हो या मैथिली या कोई दूसरी बिहार मूल की भाषा, अगर इसमें लोग अश्लील विषयों पर सर्च कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण मानसिकता में आया बदलाव है, जो इस पिछले कुछ दशकों में भोजपुरी फिल्मों और गानों के जरिए लोगों में भरा गया है। 5 करोड़ से अधिक वक्ताओं के साथ मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बोली जाने वाली भाषा को भोजपुरी सिनेमा के स्टार्स ने ध्वजिया उड़ाने और फुहरता से भरने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। रही सही कसर इंटरनेट ने पूरी कर दी, जिससे ऐसे कॉन्टेंट स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो गए और इससे न सिर्फ भोजपुरी भाषा दूषित हुआ बल्कि यौनिकता और भड़काऊपन से भर गया। अब इन लोगों की इन हरकतों को देखकर सच कहे तो भोजपुरी कलाकारों के लिए भाजपा किसी रिटायरमेंट पैकेज से कम नहीं। जीवन भर नौटंकी करो, अपने साथ साथ अवध और बिहार की संस्कृति भी मिट्टी में मिलाओ, और जब कुछ न बचे तो राजनीति राजनीति खेलो।
और उससे भी बड़ी विडंबना तो ये है कि ऐसे लोगों के बल पर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने का स्वप्न देख रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।